अच्छा एक तरफ अब आप देखिए सारे के सारे अब ध्यान कर लीजिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम। अफगानिस्तान को तो ठोकना ही था, आज नवीनुल हक ने भी आके माफी मांग ली। इनफैक्ट विराट कोहली ने इतना बड़ा दिल दिखाया, आपने देखा होगा विराट कोहली नवीनुल हक ने गले भी मिले, हाथ भी मिलाया, नवीनुल हक ने बात भी करी, पूरा क्राउड जो है नवीनुल हक की ऐसी की तैसी कर रहा था, विराट कोहली का नाम ले रहा था, उसकी ऐसी की तैसी कर रहा था। तो विराट कोहली ने स्पेशली क्राउड को जाके मना किया कि भाई आप ऐसा मत करो, कोई बात नहीं, आराम से ठंड रखो, वो भी खेलने आए। तब जाके नवीन ने थैंक यू बोला, नवीन ने उनके बात भी करी कि भाई अकल आ गई, चलो देर आए दुरुस्त आए। तालियां उसके लिए भी यार, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई यहाँ पे विराट कोहली ने, दिखाया कि भाई कैसे एक बड़े खिलाड़ी को बिहेव करना चाहिए। और नवीन उलक को भी ये एहसास हो गया कि भाई विराट कोहली है कौन, खुद तो वो रिटायर हो चुके हैं। और गौतम गंभीर भाई को भी आज थोड़ा सा लगा होगा कि चलो अच्छा ही हो गया, सुलह हो गया। आई होप कि अच्छा लगा होगा कि यहाँ पे सुलह हो गई, नवीन उलक जो उनका बच्चा बेसिकली बनता था वो आज जाके विराट कोहली के नतमस्तक भी हुआ और उसने आराम से जाके जो है सुलह कर ली। और विराट ने भी बहुत बड़ा पन दिखाया, बड़े प्यार से मिले। खैर नवीन उलक विराट कोहली को छोड़ दो, आज जिस तरीके से हमने अफगानिस्तान को मारा है, हाथ से ज्यादा मारा है, फोड़ा है। पहले तो बॉल से आप देख लो वो मैच में नहीं थे, 272 इस पिच पे कभी भी इट वाजंट गोइंग टू बी इनफ, ठीक है ना, पता नहीं क्या सोच के बैटिंग करा ली उन्होंने। सेकंडली जिस तरीके से रोहित शर्मा ने बैटिंग करी, जिस तरीके से विराट कोहली ने बैटिंग करी, आई मीन कहीं पर भी एक भी चांस नहीं दिया, मारते ही रहे मारते रहे। रोहित शर्मा के फिगर्स आप देख लो, है ना, उसके बाद विराट कोहली के फिगर्स आप देख लो, 50 विराट ने, 100 रोहित ने, पहली गेम में रोहित नहीं चले थे, 100 वहां पे विराट ने मार दिया था, 100 वहां पे केएल ने मार दिया था। तो मेरा बस एक ही मैसेज है पड़ोसियों के लिए भी कि आपने घबराना नहीं। आप अच्छा खेल के आए हैं, लेकिन आप देखिए आप इतने दिन से हमें सुना रहे भाई हमने ये कर दिया, रिकॉर्ड चेज कर दिया श्रीलंका के अगेंस्ट, 345 बना दिया। पहली बात है वो श्रीलंका थी और उससे पहले नीदरलैंड थी, उसके बाद भी तुम फंस गए। ईमानदारी के बाद पहला मैच नीदरलैंड के साथ, दूसरा मैच श्रीलंका के साथ, फिर भी आप फंस गए कि आपने मैच फंसा दिए। नीदरलैंड के अगेंस्ट भी, श्रीलंका के अगेंस्ट भी, दोनों टीम वो टीम जो क्वालिफायर खेल के आई है, जो वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में एंट्री नहीं थी, क्वालिफायर खेलने के बाद आई है। इंडिया ने किसको खेला? ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ने आज किसको खेला? अफगानिस्तान। बाय द वे अफगानिस्तान से शायद पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम मिलेगा चेन्नई में, चलो उसके बारे में बात करेंगे कभी और। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एंड देन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान चलो हमने जीतना था, बट ऑस्ट्रेलिया इट वाज अ टफ गेम। आप इंडिया को देख लो, हमने डोमिनेट करा पाकिस्तान को इन एशिया कप, हमने डोमिनेट करा श्रीलंका को फाइनल में 50 पे आउट करके इन एशिया कप, हमने डोमिनेट करा ऑस्ट्रेलिया को, फिर वनडे इंटरनेशनल जो यहां पे सीरीज हुई थी, दो मैच हम जीते, फिर हमने ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट करा पहले मैच में, 200 के आसपास आउट कर दिया और इजी चेस मारी कोहली ने और आपके केएल राहुल ने। और आज भी आप देख लीजिए वन साइडेड डोमिनेशन अगेंस्ट अफगानिस्तान। तो लेवल ऑफ टीम इंडिया अलग ही लग रहा है। हमारे बॉलर्स को अगर आप देख लें, आज बुमराह ने 4 विकेट ले ली, एशिया कप फाइनल में सिराज ने 6 विकेट ले ली, उससे पहले कुलदीप 5 विकेट, 4 विकेट, हार्दिक आज 2 विकेट। तो एवरीबॉडी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग और सारे के सारे ना टॉप फॉर्म में लग रहे हैं। स्पेशली ये बैटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान बॉलिंग, मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर 400 मार दें आराम से, अगर 400 मार दें मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। देखिए आपकी टीम बेस्ट चीज ये हो गई कि पाकिस्तान भी जीत के आ रहा है कि हारे नहीं, तो मोमेंटम उनके साथ भी बना हुआ आ रहा है, कॉन्फिडेंस उनको भी आ रहा होगा। लेकिन क्या टीम में फायर पावर है इंडिया के सामने टिकने की? इंडिया जिसने ऑस्ट्रेलिया को इतना वन साइड मैच मार दिया, पाकिस्तान अफगानिस्तान के अगेंस्ट 270 रन 35 ओवर में चेज। भाई अगर आप श्रीलंका के अगेंस्ट सेलिब्रेट कर सकते हैं कि हमने 350 चेज करा जी 48.2 में जाके, तो अफगानिस्तान के अगेंस्ट 35 ओवर में हम सेलिब्रेट तो नहीं कर रहे, लेकिन यह प्रमाण मिल रहा है कि टीम का रिदम, टीम का फॉर्म, टीम कलेक्टिवली डोमिनेट करने के लिए मैदान में उतर रही है और एक भी परसेंट चांस पे नहीं छोड़ रही। जहां पे भी लगता है मैच हाथ से निकलता है या कुछ भी दूसरी ऑपोजिशन हावी होने की कोशिश करती है, वहीं पे टीम इंडिया पुट्स अ फुल स्टॉप एंड क्लिनिकल परफॉर्मेंस अगेन एंड अगेन। अभी पूरा पाकिस्तान और इंडिया का एनालिसिस करेंगे, रॉबिन रेडी रखिएगा पाकिस्तान के फिगर्स और इंडिया के फिगर्स। लेकिन सबसे पहले रोहित शर्मा, आई थिंक रोहित शर्मा के रन आने, एशिया कप में भी 350 थे, आज फिर 100 हो गया। और अब नेक्स्ट गेम इंडिया पाकिस्तान, मोर देन इवन विराट कोहली, बिकॉज शुभमन गिल इज नॉट देयर, आई थिंक रोहित शर्मा इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज रोहित शर्मा अगर 50 रन की भी स्टार्ट देते हैं, मतलब ही नहीं है टीम का वापस आने का, दूसरी टीम का गेम में वापस आने का, स्पेशली पाकिस्तान का। और पाकिस्तान के अगेंस्ट तो 2019 में भी 140 मारा था, अभी एशिया कप में भी 50 बहुत जबरदस्त मार के आए हैं। जबरदस्ती शादाब की बॉल पे, किसके बॉल थी? शादाब की, शादाब वो हवा में मार दी बिल्कुल आराम से और वो बाउंड्री तक चली गई, वरना तो वो 100 मार रहे थे उस दिन भी। तो रोहित शर्मा का 100 मारना पाकिस्तान की गेम से पहले,
मैं यही बोल रहा हूँ कि थर थर कांपना नहीं है आपने, आपने घबराना नहीं है, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। नंबर दो पे पॉइंट टेबल अब इंडिया आ गई है, नंबर तीन पे पाकिस्तान आ गई है, बिकॉज इंडिया की नेट रन रेट पाकिस्तान से बेटर हो गई है। और इंडिया ने खेला ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान, पाकिस्तान ने खेला नेदरलैंड श्रीलंका, और बावजूद उसके इंडिया की नेट रन रेट उनसे ऊपर आ गई है, विच इज अ बिग बिग थिंग। हमसे ऊपर सिर्फ न्यूजीलैंड है। तो पॉइंट टेबल में बता दूं, न्यूजीलैंड नंबर वन पे है, इंडिया नंबर टू पे है, पाकिस्तान नंबर थ्री पे अभी, और साउथ अफ्रीका नंबर फोर, फिर इंग्लैंड है पांच पे, राइट। सो क्लिनिकल परफॉर्मेंस, अमेजिंग विक्ट्री, रोहित शर्मा मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैच बने, प्लेयर ऑफ द मैच रोहित शर्मा को, हालांकि बुमराह को मिलना चाहिए था यार, चार विकेट लेके, और रोहित सेंचुरी लेके आए हैं, चार विकेट लेना, बैटिंग ट्रैक पर आप चार विकेट लेते हो ऐसा बोला, लेकिन चलो प्लेयर ऑफ द मैच मिला है, अचीव नहीं होना अगर वो पांच विकेट लेते तो उनको मिल जाती, चार विकेट प्लेयर ऑफ द मैच मिला है रोहित शर्मा को, और थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कप्तान को, पाकिस्तान को, वैसे भी पाकिस्तान की फेवरेट ऑपोजिशन है, हमेशा ठोकते हैं, मतलब विराट की तो और ज्यादा फेवरेट है, लेकिन रोहित शर्मा भी आप देख लीजिए, पिछले एशिया कप में देख लो जो 50 मारा है, 2019 में देख लो, फिर उसके बाद 18 में देख लो, तो ऑलवेज डोमिनेट्स अगेंस्ट पाकिस्तान। आई थिंक पांडे जी, अब बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, रोहित के फिगर्स दिखाना आज के और विराट के भी दिखाना, क्योंकि ये आ गए हैं बहुत ज्यादा फॉर्म में। रोहित शर्मा इस फॉर्म में अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट जाएंगे, आप देख लो 84 बॉलों पर वो 131 रन, 155 के स्ट्राइक रेट से मारा, 5 छक्का 16 चौके, और आज तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, मतलब एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बना दिया, फास्टेस्ट इंडियन वर्ल्ड कप में सेंचुरी लगाने वाले रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा इस फॉर्म में अगर पाकिस्तान की इस बॉलिंग लाइनअप के सामने उतरेंगे, डिस्ट्रक्शन, तबाही, और उस दिन तो मतलब अहमदाबाद में जो कुटाई लगेगी भाई साहब, मतलब आप मान के चलो कि अभी से कांप रहे होंगे, मैं सही बता रहा हूँ जिस तरीके से बड़ा बुरा मारा है जी, बड़ा बुरा मारा। और रोहित के अगर आप इनिंग देखें आज की, 16 चौके 5 छक्के, लग ऐसा रहा था फिर से 200, हालांकि स्कोर ही इतना नहीं बनाया था, 272 तो उन्होंने पूरा बनाया था, लेकिन 155 की स्ट्राइक रेट, कहीं पे भी स्लो डाउन नहीं हुए। राशिद खान का एक ओवर आता है, 4 4 6 4, मतलब इतना मारा उसने भी, सबको मारा, कहीं पे भी रुके नहीं। और यही वाले रोहित शर्मा जिसने बोला भी है कि भाई मेरे को पता है कि मेरी एवरेज थोड़ी नीचे आ गई है, लेकिन मेरी स्ट्राइक रेट ऊपर होनी चाहिए, तो मैंने अपने कम्युनिकेट भी कर दिया है सारे के सारे सीनियर जो हमारी लीडरशिप है वहां पर, जो मैनेजमेंट है, कि भाई मैं ऐसे खेलूंगा, एवरेज नीचे आ जाए मुझे गम नहीं है, लेकिन मेरी स्ट्राइक रेट, इंटेंट, अग्रेशन, उसको ऊपर रख के खेलूंगा। और यही हमने एशिया कप में भी देखा था, जब शाहीन को पहले ओवर में छक्का लगा था, और उसके बाद बहुत तगड़े इन्होंने रन भी बनाए थे। सो आई थिंक यहां पर इंडिया ने अगेन एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, जहां पे पाकिस्तान रिगड़ रिगड़ के जीत के आ रही है, जैसे नेदरलैंड के अगेंस्ट मुश्किल में पड़ गई, ऑब्वियसली श्रीलंका वाली जीत बहुत अच्छी थी पाकिस्तान के लिए, नो डाउट, रिजवान ने और अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छी चेज करी, लेकिन श्रीलंकन बॉलिंग इस पूरे कॉम्पिटिशन की शायद सबसे हल्की बॉलिंग होगी, बट बावजूद उसके उनको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा मिलना चाहिए, बिकॉज दे चेज इट डाउन, ठीक है। मगर अभी भी मैं ये बोलूंगा कि भाई 95% इंडिया, 5% पाकिस्तान, 5% इसलिए बिकॉज कुछ भी हो सकता है, मगर जो टीम में डिफरेंस नजर आ रहा है ना, बैटिंग के अंदर भी, बॉलिंग के अंदर भी, आई थिंक पाकिस्तान की बॉलिंग से अच्छी तो उनकी बैटिंग है, उनकी बॉलिंग बहुत खराब है भाई। जो टीम लगातार 350 पढ़वा ही रही है हर से, श्रीलंका ने मार दिया वार्म अप गेम्स में देख लो, और न्यूजीलैंड भी उस दिन, नेदरलैंड भी मार रहा था, वो बैस डी लीड पीछे पड़ गया था, है ना, वो हारिस को उस दिन विकेट मिल गई, वरना तो नेदरलैंड उस गेम में था। उससे पहले देख लो ऑस्ट्रेलिया ने 300 मारा 350 के आसपास, न्यूजीलैंड ने वार्म अप गेम में मार दिया 350, जैसे मैं बता रहा हूँ श्रीलंका ने मार दिया यार। सो आई थिंक पाकिस्तान की बॉलिंग तो बहुत ज्यादा वीक है, प्लस उनकी बैटिंग जो है वो कच्ची पक्की लगती है मुझे, कभी कभी ऊपर कभी कभी नीचे। इंडिया की जहां तक बैटिंग और बॉलिंग का सवाल है भाई, दोनों क्लिक कर रही है अनबिलीवेबल तरीके से। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 3 आउट हो गए कोबरा जी, उसके बावजूद जो पार्टनरशिप लगती है विराट और केएल की, आई डोंट थिंक के नहीं, देखो पाकिस्तान का चांस ज्यादा है इस तरीके की बैटिंग लाइनअप और इस तरीके की बॉलिंग लाइनअप पूरे टूर्नामेंट में नहीं। ये फैक्ट बात है, हमारे पास जो 3 स्पिनर्स हैं आप उनको देख लें, जो हमारे पास पेसर्स हैं आप उनको देख लें, और जिस बैटिंग लाइनअप पर विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, प्रिंस, शुभमन गिल जैसे प्लेयर हो, श्रेयस, केएल राहुल, तो यार वो बैटिंग लाइनअप किसी से कमजोर है नहीं। और दूसरी बात अगर हम देखें यहाँ पर इंडिया वर्सेज पाकिस्तान, अब देखो एक चीज ये हो गई कि ये गेम अब और अलाइव हो गया, क्योंकि इंडियन टीम तो डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस कर ही रही थी। अब कल जिस तरीके से पाकिस्तान जीता है, अब उनको भी कॉन्फिडेंस आया होगा ना कि यार हमने 350 जैसा टारगेट चेज कर दिया, और इंडिया के अगेंस्ट जब हम जाएंगे हम भी कर सकते हैं। तो अगर आप देखो इंडिया वर्सेज पाकिस्तान, तो उस राइवलरी में इंडिया ही आ गया है। अब देखो
रोहित शर्मा की फॉर्म के ऊपर सवाल था, हालांकि बस एक ही गेम खराब गया, एशिया का पूरा अच्छा गया, ऑस्ट्रेलिया सीरीज का तीसरा ओडीआई के लिए वहां पर भी ऑस्ट्रेलिया की कुटाई करी नहीं, रोहित तो काफी अच्छा खेला अच्छा, वो पहले ऑस्ट्रेलिया वाले गेम एशिया कप में बेस्ट बैटिंग रोहित एशिया कप में बेस्ट बैटिंग हो गई, और जो ओडीआई सीरीज हुई अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उसका तीसरा ओडीआई के लिए वहां पर भी 80 रन बनाए थे, और वो ऑस्ट्रेलिया वाला पहला गेम वर्ल्ड कप का वो खराब हो गया, अब यहां पर उन्होंने 100 बना दिया। अब आप देखो रोहित भी फॉर्म में है, ईशान बाय द वे हम भूल रहे हैं कि ईशान स्लो खेल रहा था बाद में वो भी 47 रन बना के गया आज एज एन ओपनर, और जो पाकिस्तान वाले गेम में क्योंकि मुश्किल ही है शुभमन के लिए ना, लेकिन ईशान भी फॉर्म में आज सबको टच मिल गया, रोहित ईशान और तीन पर विराट टीम भी अहमदाबाद आ गई है, तीन पर विराट चार पर श्रेयस, श्रेयस ने बाय द वे सबसे लंबा छक्का मारा एक सौ एक मीटर का क्या छक्का था वो, ग्राउंड से ग्राउंड से 101 मीटर, श्रेयस भी फॉर्म में, पांच विकेट ग्राउंड भी फॉर्म में, रोहित शर्मा मतलब अगर आप एक अकेला रोहित शर्मा ही काफी है, वही मैं कह रहा हूँ अगर रोहित चल, आज आपने विराट की बैटिंग देखी, विराट आए, विराट ने आकर सेट होने का समय लिया, विराट कोहली को ये ऐसे बल्लेबाजी करने का प्रिविलेज मिलता ही तब है जब सामने रोहित शर्मा जो है वो स्टार्ट अच्छी देकर जाए, रोहित का अच्छी स्टार्ट देकर जाना पूरे टीम इंडिया के लिए बेहतर है, क्योंकि आपकी बैटिंग की रीढ़ की हड्डी कौन है, रोहित और विराट, अगर रोहित रन नहीं बनाते तो विराट पे प्रेशर आता था, अगर रोहित और विराट रन बना रहे तो बाकी भाई रोहित ने कितने रिकॉर्ड तोड़ दिया आज, सबसे ज्यादा सेंचुरी वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप्स में सबसे ज्यादा सेंचुरी 7, उसके बाद थर्ड हाईएस्ट सेंचुरी मेकर इन वनडे स्पॉन्टिंग से आगे आ गए, ठीक है, उसके बाद एक साइड और था अभी पीछे गया है जो कोबरा जिसकी फोटो ली आपने, सबसे ज्यादा छक्के, सबसे ज्यादा छक्के आज, सबसे ज्यादा छक्के हो गए, ठीक है ना, क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया ओवरऑल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के हिस्ट्री में, रोहित शर्मा फिर एक और था बीच में यार, मतलब इतने रिकॉर्ड तोड़े आज रोहित शर्मा ने, 7 सेंचुरी वर्ल्ड कप हो गई, उसके बाद जैसे मैंने बताया तीसरा हाईएस्ट वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी वर्ल्ड कप में 31 हाँ शतक लगाने फास्टेस्ट बॉल्स मतलब फास्टेस्ट टू रीच 100 इन वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में 63 बॉल्स पे 100 वो भी आज रोहित शर्मा, रोहित शर्मा ने आज सारे बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े, और मुझे लगता है कि अहमदाबाद यार अहमदाबाद जाने से पहले देखो ना आज श्रेयस को भी मौका मिल गया हाथ साफ करने का, रोहित के रन आ गए, ईशान किशन के रन आ गए, विराट कोहली के लगातार रन आ रहे हैं, आपके लिए केएल श्रेयस अय्यर ने भी आज बहुत जबरदस्त छक्का मारा है, उसके बाद आपके केएल राहुल का सवाल आया हुआ है एशिया कप में, पिछले मैच में 97 नॉट आउट है, उसके बाद आप देख लीजिए क्या कहते हैं हार्दिक पांड्या, उसके बाद रविंद्र जडेजा, बैटिंग तो खत्म होती नहीं, राइट बैटिंग की इंटेंट खत्म होने वाली है, और उसके बाद बॉलिंग देख लो, कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन, या अगर नहीं भी खेलते शार्दुल ठाकुर, फिर आपके आ गए रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आप शमी को अपने ऑप्शन लेके चल सकते हैं अगर आपको पिच पे लगता है कि शार्दुल को बार, मतलब इट इज जस्ट अनप्लेएबल आपकी बॉलिंग लाइनअप है, बिल्कुल, और बैटिंग लाइनअप से बचना नामुमकिन है, बिकॉज बैटिंग लाइनअप हर मैच ऐसे ही खेल रही है, आप पहला मैच देखो ठोक दिया ऑस्ट्रेलिया को, कितनी बुरी तरह मारा बाय द वे ऑस्ट्रेलिया, बहुत बुरी तरह, टेबल भी दिखाना, टेबल भी दिखाना, जो पॉइंट्स टेबल आ गया ना वो भी दिखाना, कितनी बुरी तरह ऑस्ट्रेलिया को मारा, और कितनी बुरी तरह अफगानिस्तान के स्पिनर्स बच्चे लग रहे थे, राशिद खान को तो जो लपेटा है बाद में रोहित ने, आउट जरूर हुआ बट जो लपेटा है ना एक दो ओवर में, मजा आ गया देख के, इवन श्रेयस ने जो छक्का मारा है मुजीब को सामने का छक्का, सो लक्षित जी कुरैशी जी सॉरी टू ब्रेक योर हार्ट मगर पाकिस्तान का चांस मेरे को बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, मैं क्यों कहूंगा, आप पाकिस्तान के फेवर में रहते ना, मैं नहीं फेवर, आज भी आपने बोला था कि इंडिया हार जाए, मैंने कब बोला यार, आप मेरे पे जान बुझकर, आप बताएं बताएं, बट दिक्कतें हैं पाकिस्तान की टीम के लिए, बिकॉज अगर एज कंपेरिजन इंडिया पाकिस्तान का भी हम ऑन पेपर रख के देखें, हर डिपार्टमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, तो कहना की जो पाकिस्तान का सबसे मजबूत पॉइंट था वो अब उनका वीक पॉइंट बन गया, और जो वीक पॉइंट था वो अब मजबूत बन गया, मतलब एक पूरी सॉलिडिटी कुछ टीम में नजर नहीं आ रही, मतलब बॉलिंग कमजोर हो गई है और बैटिंग ठीक हो गई है, बैटिंग ठीक हो गई, बैटिंग में भी अभी ठीक चीजें हुई नहीं है, बिकॉज़ तो नहीं चल रहे, अब्दुल्ला शफीक आ गया, अब्दुल्ला शफीक ने अभी मारा है वो भी श्रीलंका के अगेंस्ट, लेकिन इमाम और बाबर हमेशा ऐसा नहीं होगा, आपका मिडिल ऑर्डर क्लिक करेगा, टॉप ऑर्डर का वहां पर काम है कि आप चीजें जो है प्ले विद स्टडी, जीत बोल रहे हैं रोहित कांट, रोहित अंडर प्रेशर कांट स्कोर, नोट करके रखो भाई, पिछले एशिया कप में प्रेशर नहीं था जब उसने 50 मारे थे, उससे पहले वर्ल्ड कप 2019 में प्रेशर नहीं था इंडिया पाकिस्तान गेम में, ऐसी बात मत करो यार, बिल्कुल ही आप राइट ऑफ कर रहे हो, 2019 में प्रेशर गेम्स में भी मारे उसने रन, यहाँ पे एशिया कप में मारे प्रेशर गेम थी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान प्रेशर गेम थी ये श्रीलंका में, जहां पे बाबर ने टॉस जीत के बॉलिंग कराई थी, वहां पे भी उसने रन मारे बड़े तगड़े, सो पास्ट को भूल जाओ भाई, वो बोल रहा है कि मैं एवरेज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा, मैं मारने जा रहा हूँ, और रोहित शर्मा के जिस दिन रन आ जाते हैं उस दिन तो आप इजी जीतते हो ना, सो रोहित पे मेरे को डाउट नहीं है कि यार वर्ल्ड कप का हर एक मैच प्रेशर मैच होता है, और एक मैच चलो वन ऑफ डे था ऑस्ट्रेलिया के सामने, आज इस तरह से रोहित खेले 2019 के वर्ल्ड कप में बंदे की 5 सेंचुरीज थी यार, वर्ल्ड कप के अंदर 5 सेंचुरीज लगाना
रोहित शर्मा के ऊपर डाउट करना महा बेवकूफी है। जब रोहित शर्मा फॉर्म में खेले और जब रिदम में आए रोहित शर्मा, तो भाई उनके सामने विराट कोहली भी फेल है, उसके बाद सब पूरी दुनिया फेल है, बिकॉज इतनी ज्यादा तेज मार देते हैं। जैसे आज दिखाना रोहित शर्मा के जरा स्टैट्स, 83 बॉल्स में भाई 155 की स्ट्राइक रेट से वनडे में 130 और 100 पार करने के बाद तो ऐसे गोली की स्पीड से जाते हैं वो, और डैडी हंड्रेड, मतलब 16 चौके कौन मारता है यार, 16 चौके और 5 छक्के, 21 तो यही हो गए, मतलब बाउंड्री पार कराने वाली बॉल हो गई, 16 चौके। आपको पता 94 रन बाउंड्री से आए, मैं वही तो कह रहा हूँ, 94 हो गया 30 और 64, हाँ 94 रन आदमी ने सिर्फ छक्के चौकों में मारे, ये है इतना कातिल हिटमैन, इसीलिए बोलते हैं हिटमैन, पता ना क्या होता है, तो ये ओरिजिनल हिटमैन है भाई, और ये इसका मैं कह रहा हूँ पूरा 100% भी ना, 70-80% भी पीछे पड़ गया पाकिस्तान के, मैच ये खत्म करके देने आप खत्म। और रोहित की मेजर बात पता है क्या, बिकॉज रोहित शर्मा एक, जब आज रोहित शर्मा की आपने बैटिंग देखी, रोहित की हिटिंग वॉज एफर्टलेस हिटिंग, उसमें कोई एफर्ट ही नहीं है, जैसे एफर्टलेस भाई वो इंसान हिट करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, कोई प्रेशर कोई दिक्कत आपको उसके अंदर देखने को नहीं, रोहित शर्मा की बैटिंग नहीं, बिल्कुल देखने को दिक्कत नहीं मिलती है। और देखो ना ऊपर से आओ, यहाँ पे रोहित शर्मा, ईशान किशन, वहां पे इमामुल हक एंड अब्दुल्ला शफीक, इंडिया कोई कंपैरिजन नहीं है, 3 नंबर पे बाबर आजम, 3 नंबर पे विराट कोहली, कोई कंपैरिजन नहीं, 4 नंबर पे रिजवान, 4 नंबर पे श्रेयस अय्यर, रिजवान बेटर कर रहा है अभी वैसे, रिजवान काफी बेटर कर रहा है, 5 पे केएल राहुल, 5 पे इफ्तिकार केएल राहुल, फिर आप 6 पे आ जाओ, 6 पे यहाँ से आपके है हार्दिक पांड्या, वहां से साउथ शकील, फिर हार्दिक पांड्या आगे, फिर आप आगे जाओ जडेजा शादाब, फिर जडेजा आगे, फिर आप आ जाओ उसके बाद नवाज एंड अश्विन या ठाकुर, तो नवाज की बैटिंग में बोल सकते हो आप, लेकिन बॉलिंग में ओवरऑल यार टीम का, और आप बॉलिंग में भी आ जाओ, शाहीन शाह, अफरीदी, बुमराह, ठीक है, हारिस रौफ आप कर लो, सिराज, फिर आप कर लो आपके हसन अली, सिराज, फिर आप कर लो हारिस रौफ, यहाँ से कर लो हार्दिक पांड्या, कुलदीप, हार्दिक पांड्या है ना तीसरा, लेकिन वहां से स्पिनर देख लो ना, फिर शादाब, कुलदीप, फिर नवाज, और यहाँ से जडेजा, तो आई थिंक किसी भी, और सबसे बड़ी बात कैप्टनसी, बाबर आजम, रोहित शर्मा, तो किसी भी डिपार्टमेंट में पाकिस्तान आसपास नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास एक पॉजिटिव स्पिरिट जा रही है, एक तरीके से मैच जीतते हुए आ रहे हैं, 2 मैच लगातार जीत के, मैंने बोला था यही सबसे बड़ी पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग होगी कि पहले 2 मैच जो है ना वो हल्की टीमों से, नेदरलैंड और श्रीलंका, तो उनको अगेन 2 ऐसी टीम्स मिली है जहां से वो जीत सकते थे, वो भी उन्होंने मुश्किल बना लिया, लेकिन चलो जीत गए और अच्छा जीते, श्रीलंका वाला गेम तो बहुत अच्छा जीते, सो दे आर कमिंग विद कॉन्फिडेंस, दे विल गिव इट देयर ऑल, बट आई डोंट थिंक के टीम्स में कोई कंपैरिजन, इन द सेंस के टीम इंडिया बहुत आगे लग रही है यार इस टाइम पे, बहुत आगे लग रही है, आज भी देखना कितना इजी जीते, कंपैरिजन कोई नहीं है, टॉप टू बॉटम आप देख लो बहुत ज्यादा आगे लग रही है, और सबसे बड़ी खास बात यह ना कि अगर आप ढूंढ के भी निकालोगे ना कि यार कोई तो कमी दिख जाए इस वक्त, ढूंढ के भी देखो, बहुत से लोग बोल रहे थे रविंद्र जडेजा ने वहां पे पहले गेम में जो 3 विकेट निकाल के दिए, आज भी उन्होंने विकेट्स निकाले, तो अगर आप ढूंढोगे भी ऊपर से लेके टॉप टू बॉटम कोई कमी नहीं दिखती, और मैंने ये ट्वीट निकलवाया है, शिखर धवन बोल रहे हैं अनदर डे अनदर अचीवमेंट फॉर आवर हिटमैन, रोहित शर्मा इज ऑन फायर टुडे, अमेजिंग 100 एंड मोस्ट 100s इन वर्ल्ड कप 7 एंड मोस्ट 6s इन इंटरनेशनल क्रिकेट, तालियां भाई रोहित शर्मा, आज तो दिल्ली रोहित शर्मा का, अगर रोहित शर्मा अहमदाबाद में पाकिस्तान के पीछे पड़ गए और शुरू के 20-25 रन उन्होंने बना लिए, 100 वहां पे आ गई, डैडी 100 का मतलब है 150 160 बना सकते हैं, 200 भी मार सकता है, 3 बार जो आदमी 200 मार चुका है वनडे में वो तो आदमी ठोक सकता है ना, हर बार रोहित से एक पे आज ठोका तो किसी भी लिहाज से अगर आप देखें आज तो रोहित शर्मा बहुत खतरनाक फॉर्म में, विराट कोहली लगातार, आज को एक बॉल ऐसी लगी जिस बॉल पर यहाँ पे डिबेट हो गई थी कि वो एक राशिद खान, बस वो बॉल के अलावा ऐसी कोई बॉल नहीं थी जिसपे वो परेशान हो, बिल्कुल, अब देखो कुछ लोग हेटर्स क्या बोलेंगे यार, अफगानिस्तान को मारा, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट क्या हो गया था,
हमारे पड़ोसी ऐसे ये सोच रहे हैं ना यार, आउट तो 14 को देख लेते हैं, 14 को देखते हैं, 14 को देखना है वो तो बात सही है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव साइंस बहुत मिल रहे हैं, बिकॉज रोहित शर्मा फॉर्म में 100 मारा, विराट कोहली लगातार फॉर्म में, केएल राहुल फॉर्म में, ईशान किशन अच्छा खेला था, श्रेयस को भी, चलो ईशान के थोड़े रन आ गए, श्रेयस ने भी ओडीआई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 100 मारा, सो अगर आप ईशान किशन आए हैं शुभमन की जगह, ईशान किशन बड़ी इंपॉर्टेंट स्पॉट हो जाती है, उसको अच्छा खेलना पड़ेगा और उसको बढ़िया ही खेलना पड़ेगा, उसने पहले भी पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेला था, तो भाई मैं तो ठोका ठोका का इंतजार का कह रहे हैं, बता दिखा पूरा का पूरा ठोका ठोका होने वाला है मेरे ख्याल से, तो भाई बड़ा बुरा हाल होएगा पाकिस्तान, यस फाइट दिखाएं, बढ़िया दिखाएं, हम तो ये चाहते हैं कि अच्छा मैच हो, लेकिन जब तक कि टीम इंडिया बिल्कुल ही बुरा क्रिकेट ना खेले, आई डोंट थिंक पाकिस्तान जीत सकते हैं, जिस जिस बहुत डिफरेंस, अगर आप ये देखो ना कि पाकिस्तान की बॉलिंग जिस तरीके से कर रही है, शाहीन का पेस ड्रॉप हो चुका है इतना ज्यादा, 130 की स्पीड पे वो बॉल डाल रहा है, अंदर आने वाली बॉल उनकी चल नहीं रही है, तो अगर वो ऊपर से विकेट नहीं निकालेंगे तो फिर रोहित शर्मा तो सेट हो जाएगा, और रोहित शर्मा जिस फॉर्म में चल रहा है, मतलब अगर रोहित को आपने आउट नहीं किया पहले 10 ओवर में, तो आप समझ जाओ कि ये स्कोर कहां जाने वाला है, रोहित शर्मा इस टच में भाई 40 बॉल में 70-80 रन बना सकता है, जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है रोहित शर्मा, आज भी तो 30 बॉल में रोहित शर्मा का 30 बॉल में तो बात कर रहा था कि कहीं माकराम का रिकॉर्ड ना तोड़ दे, जैसे वो बैटिंग कर रहा था शुरुआत में, अगर इतनी बुरी तरह भी नहीं होता भाई, 16 चौके अगर रोहित, 5 छक्के, यही बात हमेशा बात, 94 रन इन बाउंड्रीज, अगर रोहित इस फॉर्म में आ गया ना तो इंडिया का अगर शुरुआत अच्छी होगी जरूरत ही नहीं, सारे सभी के पास कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद कुछ बचता नहीं है, रोहित शर्मा जब मारना शुरू करता है ना, भरता बनाना शुरू करता है, उसके बाद कुछ बचता नहीं ऑपोजिशन के लिए, बिकॉज बॉलर्स को बिल्कुल खत्म कर देता है, तहस नहस करके रख देता है, उसके बाद आता है विराट, वो बॉलर बोलते हैं भाई इससे कौन बचे थे, बड़ी मुश्किल से ऊपर से आ गए, तो वो मारना शुरू करता है फिर, और वो एंड में तो विराट कोहली की स्ट्राइक रेट जो है वो तो दुनिया में सबसे अच्छी चली जाती है डेथ ओवर्स में, अच्छा एक और रिकॉर्ड तोड़ा है लीथल कॉम्बिनेशन, रोहित शर्मा का एक और रिकॉर्ड टूटा, केएल राहुल भी भाई, सचिन तेंदुलकर का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, 7 सेंचुरी वाला, नहीं उसके अलावा एक और वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर एज एन इंडियन सक्सेसफुल रन चेज में, ओके सक्सेसफुल रन चेज में 131 इंडिया की तरफ से सबसे बड़ा स्कोर आज कर रहे रोहित शर्मा, इस टूर्नामेंट में इस वर्ल्ड कप में बहुत रिकॉर्ड तोड़ने वाले, और मोस्ट सक्सेसफुल 100 इन वर्ल्ड कप चेज उसका भी नाम रिकॉर्ड हो गया, 300 उन्होंने चेज में बनाया, रोहित शर्मा के भाई बहुत रिकॉर्ड बने हैं आज, और सबसे इंप्रेसिव है सबसे ज्यादा छक्के इंटरनेशनल करियर में, क्रिस गेल को उन्होंने सरपास कर लिया, उसके बाद सबसे ज्यादा सेंचुरीज वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप क्रिकेट में 7 सेंचुरीज हो गई, उसके बाद सबसे तेज सेंचुरी फॉर इंडिया इन अ वर्ल्ड कप बाय एन इंडियन है ना, तो 63 बॉल्स में सेंचुरी मार दी, तो आज तो रिकॉर्ड बनाने का दिन था रोहित शर्मा।